राजेंद्र गोस्वामी हजारी टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं आज की क्या खास खबर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह खबरों की शुरुआत सबसे पहले ललितपुर से करते हैं, रोडवेज बस स्टैंड से करते हैं। ललितपुर का रोडवेज बस स्टैंड लगभग बन के तैयार हो चुका है, इसका जनपद वासियों को है इंतजार। वही जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने जनपद के ग्राम रोड़ा स्थित परिवहन निगम के नव निर्मित बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परिवहन बस अड्डे के निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने पूछताछ विंडो, टिकट विंडो, तुम्हारी यात्री प्रतीक्षालय व्यवस्था, शौचालय, रैंप, वर्कशॉप आदि को देखा। बताया गया कि बस अड्डे का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी 15 दिसंबर तक से इस कार्य पूर्ण कराया जाए। सेवी बाबूलाल जैन की स्मृति पर विविध आयोजन। सेवी बाबूलाल जैन साइकिल वालों की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन एवं बच्चों के रोचक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा नगर अध्यक्ष मनीष अग्रवाल की अध्यक्षता में शिक्षाविद जयशंकर प्रसाद द्विवेदी की मुख्य आतिथ्य में सरस्वती वंदना के साथ हुआ। वहीं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय की प्रगति को प्रशंसनीय बताया। उन्होंने कहा कि ज्ञानदान से दूसरा बड़ा दूसरा दान। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा। इकाई की बैठक में जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए प्रयास किए जाएं, संस्थागत प्रसव की प्रगति बढ़ाएं। विश्व एड्स दिवस पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। के संयुक्त तत्वावधान में विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में तुलसी सभागार में जिला क्षय रोग अधिकारी के मुख्य आतिथ्य एवं नेमेवी प्राचार्य की अध्यक्षता में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर राम नरेश सोनी ने बताया कि प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य HIV संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक दिवस एडवोकेट डे की पूर्व संध्या पर चाय की चकल संयुक्त के अधिवक्ता संवाद और अधिवक्ताओं के योगदान के भविष्य को लेकर परिचर्चा संपन्न हुई। परिचर्चा का संयोजन करते हुए अधिवक्ता संवाद के जिला संयोजक मुकेश लोधी बताते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर भारत भर में अधिवक्ता दिवस मनाते हैं। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के साथ साथ संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे। इन सबके पहले वह एक विद्वान अधिवक्ता थे। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण भी अपना योगदान दिया है। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। के निर्देश में थाना कोतवाली पुलिस व साइबर सेल द्वारा चयनित छात्रों को भारत सरकार के 30 दिवसीय स्टूडेंट पुलिस इमेंट लर्निंग प्रोग्राम के तहत साइबर अपराधों के प्रति जागरूक व प्रशिक्षण किया गया। शासन के निर्देशानुसार सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं सुदूर क्षेत्र के लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं के स्थान पर त्वरित निस्तारण हेतु जनपद के समस्त तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। सबसे पर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने तहसील तालवेट में फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना व संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायतों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 125 प्रार्थना पत्र आए, जिनमें राजस्व के 46, पुलिस के 24, विकास के 7, विद्युत के 9, पूर्ति के 17, नगर पंचायत के 2, अन्य विभागों के 20 प्रार्थना पत्र शामिल, जिनमें से 18 का मौके पर निस्तारण किया गया। ललितपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 31 प्रार्थना पत्र आए, जिनमें से 4 का मौके पर निस्तारण किया गया। तहसील मड़ावरा में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 45 प्रार्थना पत्र आए। तहसील मैरोनी में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 126 प्रार्थना पत्र आए, जिनमें 15 का मौके पर निस्तारण किया गया। तहसील पाली में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस 15 प्रार्थना पत्र आए, 2 का मौके पर निस्तारण किया गया। समाधान दिवस के दौरान पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक, मुख्य विकास अधिकारी कमलाकांत पांडे, DFO गौतम सिंह, CMO इम्तियाज अहमद, SDM श्रीराम यादव, CEO कुलदीप कुमार, कोतवाल विनोद कुमार मिश्र सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। मैरोनी में संपूर्ण समाधान दिवस के उपरांत उप जिलाधिकारी मैरोनी क्षेत्राधिकारी इमरान अहमद द्वारा कस्बा मैरोनी पैदल गश्त कर आम जनमानस को सुरक्षा का भाव एहसास कराया, क्योंकि आसपास पर फुटपाथ पर दुकान लगाए दुकानदारों को अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। सामान्य जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करते हुए प्रमुख योजनाओं के संतृप्तिकरण एवं योजनाओं के लाभ की कहानी लाभार्थियों की जुबानी जानने के उद्देश्य से आज तालवेट के विकास खंड के ग्राम बरीकुट में विकास भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। अवसर पर जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके उपरांत भारत सरकार द्वारा भेजी गई LED वैन के माध्यम से उपस्थित लोगों को प्रधानमंत्री का उद्बोधन दिखाया गया। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारी एवं जनमानस को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ दिलाई तथा गौ अवशिष्ट के कृषि एवं उर्वरक कार्य करने वाले कृषकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक, मुख्य विकास अधिकारी कमलकांत पांडे, जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार, भारत सचिव आलोक दुबे, ग्राम प्रधान सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
पत्नी के साथ मारपीट, महिला सहित 3 पर मामला दर्ज। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खादी में घर के बाहर बैठी पति पत्नी के साथ गांव के लोगों ने जमकर मारपीट कर दी, जिससे पीड़ित को गंभीर चोट आई। पुलिस ने 3 के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया। पुलिस द्वारा 1 नौफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त चाली राजा उर्फ भैयन, पुत्र चौवा ढीमर, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम रामपुरा मजरा लटुआ थाना तालबेट को गिरफ्तार किया। 2 दिसंबर 1911 को वो दिन जब पहली बार ब्रिटेन के राजा जॉर्ज वी और क्वीन मैरी भारत आए। जॉर्ज वी और क्वीन मैरी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे थे। दरअसल हुआ ये था कि 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया गया और दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया। इससे देश में विद्रोह हो गया। विद्यार्थियों के लिए अरस्तु के अनमोल वचन, सोचो जैसा बुद्धिमान लोग सोचते हैं लेकिन बात वैसी करो जैसे साधारण लोग करते हैं। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। धैर्य कड़वा होता है पर इसका फल मीठा होता है। बिना साहस के आप इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल YouTube पता कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। जय हिंद।